यहाँ पे हम लोग आपको नहीं बोलेंगे हाइपर हो, क्योंकि हाइपर होने की जरूरत नहीं है। दिस इज द चेंज दैट इज हैपनिंग। प्रोबेबली एनटीए कम्युनिकेट कर रहा है कि हम लोग कट ऑफ को कंट्रोल करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि हो सकता है पेपर का क्वालिटी थोड़ा डिफरेंट हो, बट वी डोंट नो ऑल ऑफ दैट स्टफ। इस चीज से क्लियरली दिखाई देता है कि वो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। एनीवेज हम आपको जो पेपर देते हैं उसमें हम लेवल 1 लेवल 2 मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, और जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया उस चीज के थ्रू हम उस चीज को कंटिन्यू कर पाएंगे इवन इफ एनटीए स्विचेस टू अ 180 क्वेश्चन फॉर्मेट जिसमें इंटरनल चॉइसेस नहीं होंगे। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये वाला मैसेज देखा होगा, एनटीए का नोटिस है जिसमें वो बता रहे हैं कि जेई मेंस में अब से सेक्शन बी खत्म हो जाएगा। जेई मेंस के अंदर सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन होते थे, 10 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते थे। एनटीए कह रहा है कि हम लोगों ने इस वजह से इंप्लीमेंट किया था कि कोविड का टाइम था, अब कोविड का टाइम खत्म हो गया। WHO कह रहा है मई 2023 में खत्म हो गया, दे रहा है दोस्त है, अब तो 24 के बाद 25 आएगा, पर एनटीए कह रहा है कि अब से ये होगा। ठीक है, 10 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते थे, अब सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे रात को मैसेज भेजना चालू किया ये वाले नोटिस के साथ, और उन्होंने कहा सर वीडियो बना के बता दीजिए कि हमें क्या करना चाहिए। तो गाइज मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ पहली चीज कि इसके बारे में हाइपर होने की क्या बात है। कोई भी जो चेंजेस होते हैं, अभी ये वाला चेंज हुआ है, अब इसके बाद इनका रिपोर्ट आना बाकी है, 7 मेंबर हाई पावर कमेटी, हो सकता है ये लोग कुछ चेंजेस बताएं, तो क्या आप हर चीज के बारे में परेशान होंगे या फिर शांति से बैठ के सोचेंगे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं इस वाले वीडियो में कि हम लोग इस सारी चीज को कैसे लेते हैं और हम लोग इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या चेंज करेंगे। पर एक चीज मैं आपको उससे पहले यह बताना चाहता हूं, मुझे रात को दो टाइप के मैसेजेस आए। एक टाइप के मैसेज आए, सर इन लोगों ने डिसकंटिन्यू कर दिया, इसका मतलब कट ऑफ नीचे आएगा, पेपर थोड़ा मुश्किल आएगा, तो आप सेक्शन ए सेक्शन बी देते रहना, स्टूडेंट से बोल देना सिर्फ 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स का मैसेज आया, सर इमीडिएटली चेंज कर दो, जेई में हो गया नीट में भी हो ही जाएगा। तो मैं आप लोग को बता देता हूं कि हम लोग क्या करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मतलब हम लोग की दो बुक्स हैं, बायो प्रोडिजी होम टेस्ट सीरीज और हाई यील्ड टेस्ट सीरीज होम टेस्ट सीरीज। एकदम से कुछ लोगों ने उसे रात को परचेस करना चालू कर दिया, शायद इस वजह से कि उन्हें लग रहा है कि सेक्शन ए सेक्शन बी के टाइप के टेस्ट गायब हो जाएंगे दुनिया से। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको बता देता हूं। मेरे हिसाब से ये फर्स्ट डेमोंस्ट्रेबल अटेम्प्ट है एनटीए की तरफ से टू ट्राई एंड कंट्रोल द कट ऑफ। कट ऑफ जिस टाइप की बदतमीजी हो गई थी, इट हैड टू बी ब्रॉट डाउन। ठीक है, उन लोगों ने यह भी बोला था कि हम लेवल 1 लेवल 2 कंसीडर करेंगे। इनिशियली 7 मेंबर हाई पावर कमेटी के अंदर से किसी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया था, टाइम्स ऑफ इंडिया में मानस प्रतिम गोयल ने उन्होंने रिपोर्ट किया था कि दिस हाई पावर कमेटी इज कंसिडरिंग दिस एज वन ऑफ द सोल्यूशन। लेवल 1 पेपर जो होगा पेन पेपर OMR फॉर्मेट में होगा, और लेवल 2 में उसमें जिन लोगों ने लेवल 1 दिया था 20-25% के आसपास बच्चे उसमें से सेलेक्ट कर लिए जाएंगे जो लेवल 2 एग्जाम लिखेंगे, और अल्टीमेटली वो वाली रैंक मैटर करेगी। हालांकि वो 7 मेंबर हाई पावर कमेटी का अभी तक कुछ रिपोर्ट नहीं आया, बट दिस कुड बी अनदर वे ऑफ मैनेजिंग द कट ऑफ्स, राइट। उतनी ज्यादा कट ऑफ पे डिससेटिस्फेक्शन होने का सीन बहुत ज्यादा होता है। यदि कट ऑफ थोड़ी नीचे की तरफ है 600-575 टाइप, देन थिंग्स स्टार्ट बिकमिंग वेरी डिफरेंट। तो ये एक पहली अटेम्प्ट दिखाई देती है, पर इंटरेस्टिंगली दुविधा क्या है जरा समझने की कोशिश करिए। यदि वो सेक्शन बी हटा रहे हैं, हम लोग के दिमाग में तो बिल्कुल क्लियर था, काफी सारी टेस्ट सीरीज में ऐसा होता होगा, पर हमारे केस में बिल्कुल क्लियर था कि हम लोग सेक्शन बी 15 क्वेश्चन है उसमें से 10 अटेम्प्ट करने, 5 तो मुश्किल क्वेश्चन देंगे। यदि आप रिसेंटली देखें तो हम लोगों ने केस बेस्ड क्वेश्चन देना चालू किया फिजिक्स में कि आपको ज्यादा तकलीफ हो रही है छोड़ दो। ठीक है, सो दैट इज हाउ वी वर मेकिंग यू प्रिपेयर फॉर लेवल 1 एंड लेवल 2। अब हमारे पास ये लग्जरी नहीं रहेगी, पर कोई बात नहीं, दिमाग लगाने की जरूरत है क्या किया जाए। तो दुविधा यह है कि सेक्शन बी खत्म होने का मतलब यह है कि शायद सेक्शन बी के ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए, क्योंकि सेक्शन बी टाइप के क्वेश्चन ही मेन पेपर में आ जाएंगे और पेपर के अंदर कोई चॉइस नहीं होगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूं, और होपफुली आप लोग को समझ आएगा। तो सोचिए दो टाइप के लोग हैं क्लियरली। एक टाइप के लोग वो हैं जो कह रहे हैं सर सेक्शन बी रखना जिससे हमें मुश्किल क्वेश्चन मिलते रहे, हमारी प्रैक्टिस होगी। एक टाइप के कह रहे हैं सर एकदम से आप हटा दो, सिर्फ एक पेपर हो 180 क्वेश्चन का, कोई इंटरनल चॉइस ना हो। तो हम लोग क्या करेंगे बता देता हूं, एक दो दिन के अंदर दोनों टाइप के टेस्ट अवेलेबल होंगे टारगेट बैच के अंदर। ठीक है, टाइप 1 180 क्वेश्चन जब आप टेस्ट जनरेट करते हैं, और टाइप 2 200 क्वेश्चन जिसमें सेक्शन ए सेक्शन बी में 4 सेक्शंस होंगे, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री फिजिक्स। ठीक है, तो हम ये टारगेट बैच में इंप्लीमेंट कर देंगे कि दोनों टाइप के टेस्ट आप जनरेट कर सकते हैं, अदरवाइज तो टेस्ट जनरेशन होता नहीं है, दोनों टाइप के टेस्ट जनरेट कर सकते हैं। जो पास्ट ईयर पेपर है वो तो जिस फॉर्मेट में थे उसी फॉर्मेट में अवेलेबल है। दूसरी चीज, क्लासरूम टेस्ट सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही एनटीए अनाउंस करता है, अभी नहीं करेंगे गाइस, जल्दबाजी नहीं करनी, हाइपर नहीं होना, अभी नहीं करेंगे। जैसे ही एनटीए अनाउंस करता है हमारे जो क्लासरूम टेस्ट है वो 180 MCQ हो जाएंगे,
पर हो सकता है थोड़ा लैग हो, लैग इस वजह से होगा कि हम यहां से 2 हफ्ते पहले पेपर प्रिंट करके भेज देते हैं। तो जैसे ही एनटीए अनाउंस करेगा विद इन 14 डेज वाला चेंज इंप्लीमेंट हो जाएगा। पर हम साथ में क्या करेंगे, जब हम ये चेंज इंप्लीमेंट करेंगे तो हम सेक्शन ए सेक्शन बी फॉर्मेट में उसी टाइप के 200 क्वेश्चन बना के सेक्शन ए सेक्शन बी फॉर्मेट में भी अवेलेबल कराते हैं। इनफैक्ट इस बार का जो क्लासरूम टेस्ट है वो इस वाले फॉर्मेट में होगा और ये वाला फॉर्मेट ऑनलाइन अवेलेबल होगा, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी अ रूल, आपको समझ में आ गया होपफुली कि जैसे ही एनटीए अनाउंस करता है हम क्लासरूम टेस्ट को चेंज कर देंगे। अभी तो सेक्शन ए सेक्शन बी फॉर्मेट में रहेगा क्योंकि एनटीए ने नीट के बारे में कुछ नहीं बोला और वहां पे तंत्र के अंदर जो सारे लोग डिसीजन लेते हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है, वो जेई में इनकी चीज को नीट में इंप्लीमेंट करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं है। पर मैंने आपको बता दिया हमारी स्ट्रैटेजी, वो जो कुछ भी करते हैं वी वुड बी रेडी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको अभी सेक्शन ए सेक्शन बी फॉर्मेट में क्लासरूम टेस्ट मिलेगा और ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएगा 180 एमसीक्यू का इस बार 20 तारीख को और आने वाले दिनों में भी। और जैसे ही एनटीए अनाउंस करता है क्लासरूम टेस्ट 180 क्वेश्चन का हो जाएगा और जो ऑनलाइन टेस्ट होगा वो 200 क्वेश्चन वाला सेक्शन ए सेक्शन बी फॉर्मेट में हो जाएगा। तो होपफुली गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आई वाज वेरी वेरी सरप्राइज कि एकदम से जो होम टेस्ट सीरीज है और बायो प्रोडिजी वाली टेस्ट सीरीज है लोगों ने तो मैंने कहा ओके वी शुड इंप्लीमेंट इट ऑन आवर प्लेटफॉर्म। तो हम लोग इस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे, यहां पे हम लोग आपको नहीं बोलेंगे हाइपर हो क्योंकि हाइपर होने की जरूरत नहीं है। दिस इज द चेंज दैट इज हैपनिंग। प्रोबेबली एनटीए कम्युनिकेट कर रहा है कि हम लोग कट ऑफ को कंट्रोल करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि हो सकता है पेपर का क्वालिटी थोड़ा डिफरेंट हो बट वी डोंट नो ऑल ऑफ दैट स्टफ। इस चीज से क्लियरली दिखाई देता है कि वो कुछ करने की कोशिश करें। एनीवेज हम आपको जो पेपर देते हैं उसमें हम लेवल 1 लेवल 2 मेंटेन करने की कोशिश करते हैं और जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया उस चीज के थ्रू हम उस चीज को कंटिन्यू कर पाएंगे इवन इफ एनटीए स्विचेस टू अ 180 क्वेश्चन फॉर्मेट जिसमें इंटरनल चॉइसेस नहीं होंगी। तो बताइए क्या आपको ये बात समझ में आई वीडियो के अंदर कि हम क्या करेंगे विद रेस्पेक्ट टू आवर टेस्ट सीरीज एंड टेस्ट अवेलेबल इन टारगेट बैच। और मुझे बताइए कि अभी भी आपको बेमतलब की टेंशन हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है बच्चों।